हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्रेजी अबाउट कार के एक और फ्रेश स्टूडियो में। आज का वीडियो जो है वो एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है उन लोगों के लिए जो एक फोर की जो BS6 के अंदर कार ओन कर रहे हैं, जैसे कि फोर की फीगो हो गई, फ्री स्टाइल हो गई, एस्पायर हो गई या इको स्पोर्ट हो गई, जिसके अंदर 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है। तो इसके अंदर जो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे, प्लस काफ़ी सारे जो है सोशल मीडिया पर भी लोगों को एक प्रॉब्लम मिल रही थी, जो कि ये थी कि जो उनकी कार है वो माइलेज बहुत ही कम दे रही थी डीजल होने के बावजूद भी। तो ये क्यों कम इतनी माइलेज देती है, मैं आपको सारी बात जो है वो आज बताने वाला हूँ, प्लस कैसे जो है हम माइलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो है मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो प्रॉपरली आप यूज़ करते हो तो आपकी जो BS6 के अंदर फोर की जो कार रहती है वो कम माइलेज देती है, वो आपको ज़्यादा माइलेज देंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चले शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी जो है उसकी माइलेज दिखाता हूँ। ये जो माइलेज रहने वाली है वो मिक्स कंडीशन के अंदर होने वाली है, तो उसके अंदर जो है गाड़ी हाईवे पे ऊपर भी ड्राइव हुई है, सिटी के अंदर भी ड्राइव हुई है, प्लस जो है काफ़ी टाइम तक एसी जो इसका ऑन रख के गाड़ी खड़ी भी रही है, मतलब कि मिक्स है। जो मैं आपको किलोमीटर का रीडिंग भी मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये मैंने गाड़ी अभी ऑन करी है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो ओवरऑल जो ट्रिप है, ये इसकी ट्रिप है, ये आप देख सकते हो 3906। ये इतनी किलोमीटर जो है मैंने गाड़ी को ड्राइव किया है, वो भी मिक्स कंडीशन के अंदर। गाड़ी सिटी के अंदर भी चली है, हाईवे के ऊपर भी चली है, प्लस काफ़ी टाइम के लिए एसी इसका जो है खड़ी गाड़ी के अंदर यूज़ भी हुआ है, प्लस ये जो माइलेज रहने वाली है पूरी की पूरी एसी के साथ ही होने वाली है। तो जो मैं आपको माइलेज दिखा तो ये आप देख सकते हो 17.1। अभी ये मिक्स है, अगर मैं इसको हाईवे पे अच्छे से गाड़ी को ड्राइव करता हूँ नॉर्मली 80-90 तो ये मुझे 22-23 की माइलेज दे देती है कम से कम, और सिटी के अंदर जो है ये करीब 15-16 की माइलेज दे देती है। अभी यहाँ पर जो है लोगों का ये प्रॉब्लम है कि माइलेज उनकी कार जो है वो कम देती है। तो एक्चुअली में क्या रहता है, जो मैं अपनी गाड़ी है, मतलब कि इसको मैंने ये गाड़ी को ड्राइव किया है प्रॉपर, और उसके बाद जो है मैं आपको इसका जो कंक्लूजन है वो देने वाला हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि अपनी गाड़ी जो ये BS6 है उसके अंदर आपको पता ही है DPF फिल्टर लगा रहता है, तो उसके कारण क्या रहता है कि गाड़ी जब भी जैसे कि मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो 350 या 400 किलोमीटर जैसे चल जाती है तो उसके बाद जो इसका DPF है वो क्लीन मोड के अंदर आता है, जिसे हम DPF रीजनरेशन कहते हैं। तो उस वक्त जो गाड़ी की माइलेज है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो जो प्रोसेस रहती है उसके अंदर करीब आप हाईवे के ऊपर ड्राइव करो या सिटी के ऊपर, उसका मिनिमम में अगर बात करूँ तो 20 से 30 मिनट तक जो है वो प्रोसेस होती है। और उसके अंदर जो हमारा ये इंस्टेंटेनियस यहाँ पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी दिखाता है, जहाँ पर नॉर्मल कंडीशन के अंदर गाड़ी जो है वो आप 80-90 पे क्रूज करते रहते हो तो वो 30 प्लस की माइलेज आराम से शो करती है, और जब ये रीजनरेशन मोड के अंदर आती है तो वही जो है वो अंडर 20 हो जाती है, मतलब कि मोटा मोटा 10 KMPL का जो है अंदर माइलेज जो है उसका फ़र्क आ जाता है। तो इससे अभी जो है आपको पता चल चुका है कि जैसे ही DPF रीजनरेशन मोड के अंदर आता है उस वक्त माइलेज की जो कार की माइलेज है वो ड्रॉप होती है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी कार की ओवरऑल माइलेज रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अभी मैं आपको वो क्लियर बताने वाला हूँ कि कैसे जो है वो हम कार की जो अपनी माइलेज है उसको बढ़ा सकते हैं। देखो, जब भी नॉर्मल कंडीशन के अंदर रहता है, जैसे कि अपनी गाड़ी जो है वो DPF क्लीन मोड के अंदर नहीं है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो उसको आप आराम से, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको खींच कर चलाते हो तो भी आपको माइलेज जो है वो अच्छी मिल जाती है। बट जब भी इसके अंदर DPF जो है वो रीजनरेशन मोड के अंदर आ जाता है, अभी आप ये भी कहोगे कि वो हमें कैसे पता चल सकता है, तो वो सिंपली जो है आपकी गाड़ी जो है नॉर्मल RPM जो रहता है वो 800 के आसपास रहता है आइडलिंग, और जब वो क्लीनिंग मोड के अंदर आएगा तो वहाँ पर जो है वो अराउंड 1000 हो जाता है आइडलिंग RPM। और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो मतलब कि कम भी हो जाती है। तो आप जब भी कार को ड्राइव करते हो तो आप इसको देखना है, अगर यहाँ पर आपकी जो है माइलेज आप नॉर्मल जो हाई आप एकदम एक्सप्रेशन नहीं करते उसके बावजूद भी गाड़ी अगर अंडर 20 दे रही है यहाँ पर,
तो आपको समझ आना कि आपकी गाड़ी जो है वो DPF रीजनरेशन मोड के अंदर आ गई है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी वो कंडीशन के अंदर आती है गाड़ी, DPF क्लीन मोड के अंदर आती है, तो उस वक्त आपका जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही कम कर देना है। मतलब कि आपको ज़्यादा कार को रेव नहीं करनी है, अगर ज़्यादा रेव करोगे तो जो माइलेज रहती है वो बहुत ही कम हो जाती है। मैंने वो खुद ऑब्जर्व किया है, मतलब कि 10-11 की भी माइलेज जो है यहाँ पर शो होती है। तो एक तो बात यही हो गई कि जब भी DPF रीजनरेशन मोड के अंदर आती है आपको ज़्यादा एक्सीलरेशन नहीं करना है, और आपकी स्पीड जो है वो 80 के नियर अबाउट रखनी है। वो करीब 20 से 25 मिनट का वो प्रोसेस रहती है, और उस वक्त आपको पता ही है कि जो पावर के अंदर भी थोड़ा बहुत लॉस होगा, बट जो है आपको ये फॉलो करना है, 80 के आसपास आप कार को ड्राइव कीजिए। ऐसा नहीं है कि AC आप ऑफ कीजिए, AC आप ऑन रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कार को जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेट करके मत ड्राइव कीजिए। उससे क्या होगा कि जो उस वक्त की माइलेज है वो काफ़ी कम हो जाएंगी। मतलब कि अगर रीजनरेशन मोड के अंदर नॉर्मली आपको 17-18 की माइलेज मिलेंगी, वहाँ पर अगर आप हाई एक्सेलरेशन करके ड्राइव करते हो तो वो जो है कम से कम 11-12 की हो जाती है। फिर वो नॉर्मली जब है, मतलब कि आप अगर ट्रिप करते हो 200 किलोमीटर की और बीच में आ जाता है वो, और उसके बाद आपकी ओवरऑल माइलेज जो है वो आप कैलकुलेट करोगे तो उसके अंदर भी काफ़ी ड्रॉप मिल जाती है। और यही कारण है कि जो लोगों को 14-15 ऐसी माइलेज मिलती है, इवन काफ़ी ओनर्स को भी मतलब कि 13 या 14 की भी माइलेज मिलती है। तो आपके लिए ये मेन है पॉइंट कि आप अगर अपनी कार से, जो फोर्ड की कार्स रहती है मतलब कि 1.5 लीटर वाली, तो उसके अंदर माइलेज कम मिलती है, तो जो मैंने आपको ये टिप दी है उसको आप फॉलो कीजिए। जहाँ पर आपकी कार जो है वो 13 या 14 की माइलेज देती है, वो अभी जो है आपकी अराउंड 70-80 कम से कम देंगी माइलेज। मैंने इसको गाड़ी को पूरा अच्छे तरीके से ड्राइव करा है और इसको जो है मैंने चेक किया है, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जो मैं ये टिप दे रहा हूँ इसको आप फॉलो कीजिए और आपकी माइलेज भी बढ़ जाएंगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।